मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज़्यादा विस्फोटक इस प्रकार के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नज़रअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। गृहमंत्री ने कहा है कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि परमवीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे, सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है, अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं तो इसके बाद केवल ये कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।